नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ जनपद सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में आज पिथौरागढ़ में विश्व हिंदू परिषद टीम द्वारा नववर्ष के अवसर पर शुरू कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्थानों में ध्वज वितरण कर लोगों को शुभकामनाएं दी गई। संगठन के दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका रमा पांडे ने बताया कि ध्वज वितरण का कार्यक्रम नवरात्र की समाप्ति तक चलेगा। कार्यकर्ताओं द्वारा आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर शुभकामनाएं दी गई। बीहीप के मठ मंदिर प्रमुख मुकेश भट्ट ने बताया कि संगठन द्वारा रामनवमी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर भव्य रूप से मनाया जाएगा। कार्यक्रम में जगदीश पांडे, कैलाश जोशी, विनीत पाठक, ललित पंत सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक करने को लेकर बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पाल के प्रयासों से स्पीकिंग व लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम की शुरुआत जनपद के गरुड़ व कपकोट में हो गई। प्रशिक्षण के दौरान घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष अजय ओली द्वारा बालिकाओं को पब्लिक स्पीकिंग और विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य संवारने आदि को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। उन्होंने बताया कि जिले के 3 विकासखंडों के 150 बालिकाओं और महिलाओं द्वारा इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जा रहा है। लीगल एडवाइजर चंद्रा भट्ट व निधि द्वारा बालिकाओं के अधिकार, महिला सुरक्षा, हेल्पलाइन नंबर, पर्सनालिटी आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजन को लेकर रवीना जोशी व डॉली ने इसे आवश्यक बताते हुए बागेश्वर जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। संस्था अध्यक्ष अजय ओली ने भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन की बात कही। पिथौरागढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर केशवपुरम का वार्षिकोत्सव विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के आयोजन के साथ संपन्न हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि रीना जोशी व भाजपा जिला अध्यक्ष गिरी जोशी व विशिष्ट अतिथि नगर पालिका यो राजदेव जायसी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अतिथियों ने विद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर राजेंद्र चंद, पूरन जोशी, रेखा जोशी, नीतीश, मदन जोरा, कैलाश उप्रेती, चंद्रशेखर पाटनी सहित अभिभावक मौजूद थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य धीरेन्द्र पाठक द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। संचालन शेखर पाठक और कल्पना भट्ट द्वारा किया गया। अल्मोड़ा जनपद के चौकुटिया के मासी चौकी में तैनात होमगार्ड जवान रजत मासीवाल को बाजार में ड्यूटी के दौरान एक मोबाइल सड़क पर गिरा मिला। कर्मी द्वारा जानकारी जुटाते हुए मोबाइल स्वामी सूरज शाह का पता लगाकर उसे चौकी में बुलाकर मोबाइल उनके सुपुर्द कर दिया, जिसको लेकर व्यक्ति ने जवान की ईमानदारी की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री करने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत बेरीनाग प्रभारी निरीक्षक प्रभात कुमार के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल मोहन सिंह व संजीव कुमार द्वारा रायनगर के निकट से आरोपी दरवान सिंह निवासी जाकवोरा राम मंदिर को 2 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया। पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन पर बार बार अपराध करने के आदि आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अपराधों की रोकथाम के लिए आदतन व सक्रिय अपराधियों के सत्यापन व निरोधात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे द्वारा 2 आरोपियों नरेंद्र सिंह, भरत सिंह, डीहाट प्रभारी निरीक्षक हिमांशु पंत द्वारा 3 आरोपियों योगेश शाह, त्रिभुवन सिंह व दीपक कुमार के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। साथ ही थानाध्यक्ष जाजर देवल मदन सिंह बिष्ट द्वारा कमल सिंह के विरुद्ध गुंडा एक्ट व डीहाट प्रभारी निरीक्षक हिमांशु पंत द्वारा प्रेम सिंह व सौरभ शाह के विरुद्ध 110G की कार्रवाई की गई। अल्मोड़ा जनपद के धनौली के निकट एक बुजुर्ग अचानक असंतुलित होकर सड़क से खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और खाई में ही फंस गया। बुजुर्ग के खाई में गिरने व फंसे रहने की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन अल्मोड़ा से टीम मई उपकरणों के स्थल पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए खाई में उतरकर फंसे घायल हुए बुजुर्ग को स्ट्रेचर से मुख्य मार्ग में लाकर परिजनों के सुपुर्द कर 108 के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। सूचना पर 112 की टीम भी स्थल पर पहुंच गई। फायर टीम में किशन सिंह, हरीश रावत, मुकेश सिंह, प्रकाश पांडे व देवेंद्र गिरी शामिल थे। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।
पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।